बात करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से ही, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा का यू टर्न सामने आया है। गुना से पीएम मोदी के चुनाव लड़ने के बयान से उन्होंने यू टर्न लिया है। कहा है कि मैंने कहा था कि लोकसभा चुनाव में गुना से पीएम मोदी का प्रतीक चुनाव लड़ेगा। मीडिया ने बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सीधे राजधानी भोपाल से, यहां गुना से पीएम मोदी के चुनाव लड़ने के बयान से यहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने यू टर्न ले लिया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में गुना से पीएम मोदी का प्रतीक चुनाव लड़ेगा। मीडिया ने बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया है। आखिर क्या कुछ कहना है बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा का, आइए आपको सुनवाते हैं। ऐसा नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि उनका प्रतीक सब जगह चुनाव लड़ेगा। मैं निवेदन करता हूं, मैं मीडिया का दोस्त हूं, मीडिया के साथ रहा हूं, मीडिया में ही रहा हूं। किसी बात को तोड़कर प्रस्तुत करके आप खबरों में बहुत बड़े पत्रकार नहीं बन जाएंगे। मैंने कहा था 542 चेहरे पर भी एक ही चेहरा होगा, नरेंद्र मोदी बना मान्य होंगे, और इसलिए गुना से भी नरेंद्र मोदी ही। मेरी भावना क्या थी और क्या प्रस्तुत किया, मैं हाथ जोड़ के पत्रकारों से निवेदन करता हूँ। अपनी गरिमा, आपकी गरिमा खबर पालिका की है, उसको बचाए रखें। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दुष्यंत फोन लाइन पर मौजूद हैं। दुष्यंत, जानना चाहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने यू टर्न ले लिया है, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने साफ तौर पर गुना में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस लोकसभा चुनाव में गुना से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, और जिस तरीके से उस बयान से यू टर्न लेते हुए अब प्रभात झा ने कहा है कि जो उस तरीके का बयान जो उन्होंने नहीं दिया था, जिस तरीके का बयान मीडिया में तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, और जिस तरीके से उनका ये कहना है कि मेरी जो बयान की जो भावना थी उसको समझा जाना चाहिए था, और मैंने ये कहा था कि लोकसभा चुनाव में गुना से पीएम मोदी का प्रतीक चुनाव लड़ेगा। मैंने ये नहीं कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चुनाव लड़ेंगे। वहीं मीडिया में इस बयान को लेकर तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लेकर उन्होंने मीडिया को नसीहत भी दी है कि अपनी गरिमा को बनाए रखने के लिए इस तरीके की खबरों पर विशेष ध्यान ना दें, उनकी भावनाओं को भी समझें, और जिस तरीके से देश भर में लोकसभा चुनाव होने हैं तो 542 सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम अन्य जो दल हैं वो होंगे, ना कि जिस तरीके से जो बयान उनका सामने आया था उस बयान को लेकर भी काफी उन्होंने मीडिया को नसीहत दी है और कहा है कि आगे से कुल मिलाकर दुष्यंत अगर देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं प्रभात झा, वो अपने बयान से बचते हुए नजर आए हैं और पूरा ठीक रहा, यहाँ पर उन्होंने मीडिया के सर फोड़ा। बिल्कुल, देखिए जो बयान उन्होंने गुना में दिया था उसको लेकर मीडिया ने जिस तरीके से पूरी जो बयान की प्रक्रिया पूरी सामने लाई थी, और उसके बाद फिर जब प्रभात झा ने इस बयान से पलट लिया है अपने आप को, तो वो कहीं ना कहीं इस बयान को लेकर उन्होंने मीडिया पर पूरा ठीकरा फोड़ा है, और मीडिया में तोड़ मरोड़ कर बयान को पेश करने की बात भी उन्होंने कही, और मीडिया को नसीहत भी दी है कि इस तरीके के बयानों को से बचना चाहिए मीडिया को, और जिस तरीके से जो मीडिया की प्रक्रिया सामने आई है, कार्यप्रणाली सामने आई है, उसकी गरिमा भी मीडिया को रखनी चाहिए।